दीपोत्सव की हम तैयारियां कर रहे हैं, उसमें हर बार एक नयापन लिए हुए होता है, हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। इस बार भी 21 लाख दियों का हमने लक्ष्य रखा हुआ है, उससे ज़्यादा ही प्रज्वलित किए जाएंगे, और साथ ही साथ जो है हम अपना पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम दर्ज कराते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग तरीके से बहुत सारी झांकियां हैं वो भी इसमें चलेंगी, शोभा यात्रा, और कई सारे देशों की रामलीलाएं हैं, कई सारे प्रदेशों की रामलीलाएं हैं, उनका मंचन होगा, और रामायण के कथानक पर कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा, जिसमें लाइट साउंड शो के जरिए इसमें हम कई कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। योजनाएं तो चल ही रही है, मतलब काफ़ी काम हो रहा है, उसमें से जो पूर्ण होंगी उनके बारे में है ना, उनके लोकार्पण के बारे में विचार किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी हमारी योजनाएं अमूमन चाहे वो मठ मंदिरों के जीर्णोद्धार का हो, नवीनीकरण का हो, या पर्यटन सुविधाएं विकसित करने का हो, वो सारे के सारे बहुत तेज़ी से चल रही है। इस समय तो काफ़ी गति भी कार्यदायी संस्थाओं ने पकड़ी हुई है। हम लोग कई सारे राजदूतों को, विभिन्न देशों के राजदूतों को आमंत्रित करते हैं, हर साल करते हैं, इस बार भी करेंगे, उसमें टूर ट्रेवल ऑपरेटर्स को भी बुलाते हैं। यहाँ पर हमारे पहले से बहुत सारे हमारे देश की संस्कृति या जो रामायण संस्कृति प्रसारित हुई है उन देशों को विशेष तौर पर हम लोग महत्व देते हैं, लेकिन उसके अलावा अन्य देशों को भी बुलाते हैं। एक ये विचार रहा है कि केवल 5 दिन के बजाय साल भर जो है हम लोग राम की पैड़ी पर लोगों के लिए लाइट एंड साउंड शो दिखाएं, जिसमें हर महीने थीम भी चेंज कर दें, अच्छे कंटेंट्स हों, और वर्ल्ड का बेस्ट लाइट एंड साउंड शो हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इसको हम टेकअप कर रहे हैं।